और यूएस भाई हमारे पास में रखी हैं दो चाय, एक आपकी एक मेरी है, और दो मट्ठी दो बिस्किट। ठीक है, कुछ सवाल है ऑनेस्टली उस चीज का आंसर देना है तुमको। बिल्कुल बिल्कुल। आज ही 31 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर के पिछड़े कभी नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताओ 2023 कैसा था? 2023 यार मेरे लिए तो मतलब सुड़ करते रहो चाय का, बहुत ही टफ निकला है ईमानदारी से। अच्छा, उसका मामला यह है कि 2023 में मेरे कुछ फैसले जो है बहुत गलत साबित हुए हैं, और उसके अलावा उन्हीं फैसलों में शायद ये अच्छी चीज़ भी हुई है या बुरी चीज़ भी हुई है मेरे लिए। वो जो फैसले मैंने गलत लिए वो गलत साबित किए लोगों ने, फैसले मैंने सही लिए थे लेकिन मैंने लोगों के ऊपर भरोसा रख कर कुछ फैसले लिए, वो फैसले मेरे इतने गलत लगे कि मैं आज जो है ना, अभी तो है मेरे पास काम थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं अभी पिछले 3 से 4 महीने से मैं जिस डिप्रेशन से गुजरा हूँ ना, मैं मेरी नींद 2 घंटे की थी 24 घंटे में। हाँ, 22 घंटे या तो मुझे ओवर थिंकिंग चल रही थी या मैं ज़बरदस्ती अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था। तो अभी पिछले 4 महीने से तो मामला ये निकला है कि, और ये भी एक सीख है एक तरह की ज़िंदगी में, किसी न किसी मोड़ पर आपको ये फील होती है। तो मामला ये है कि आप जब भी कोई काम शुरू करें या कुछ भी करें ज़िंदगी में, तो अपनी ज़िंदगी में लोगों का महत्व ना रखें बिल्कुल। तो ये मैंने एक अपने काम के प्रति या अपने उसके ज़रिए ये मैंने सीखा है। और अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी आपको लोगों की पहचान होना शुरू हो जाएगी उतना ही आपको अच्छा रहेगा। अच्छा, ये दिक्कत क्यों है मेरे साथ है कि मैं लोगों की पहचान नहीं कर पाता। कैसे पहचान कर पाओगे तुम इस चीज़ की? मतलब लोग हैं तुम्हारे सामने, होता ना बहुत से पहचान जाते हैं, और ये ऐसा होगा, ये सुअर है और ये ऐसा है, कैसे पहचानोगे इस चीज़ को यार? इस चीज में मैं बहुत कमजोर हूँ। पहचान का मामला ये है कि आप ना बहुत जल्दी अगर सीखनी है ये चीज़ें, तो आप ना किसी को 2 से 3 घंटे अपने साथ रख लो और उससे ना वो चीज़ें पूछो जिसमें वो कंफर्टेबल हो। अगर वो उन चीज़ों को लेकर सहजता रखता है, ठीक है, तो वो आदमी सही नहीं है। और अगर वो उन चीज़ों को लेकर कुछ टिप्पणी करता है या उन पर अपने विचार रखता है, वो आदमी सही है। और बाकी मिजाज के अतवार से आदमी बहुत सारी तरीके के होते हैं, फ़ायदा निकालने वाले, दूसरों में फ़ायदा ढूंढने वाले। मैं मतलब बचपन से लेकर अब तक मुझे पहचान हो जाती है बंदा वैसा, पर मेरा मन नहीं करता कि मैं जो है इससे जो है इसे अपने से अलग कर दूँ। यही सेम चीज अगर मैं तुमसे बताऊँ ना, मेरे साथ भी यही दिक्कत है। वही मुझे पता होता है ये कैसा है, ये कैसा है, लेकिन आदत अटैचमेंट होता ना उस बंदे से सामने से। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरे सच वाले दोस्त है ना, मतलब हाँ, सच वाले दोस्त है अनस वाद, ये इनाम, अरे हम नहीं है क्या भाई? अरे भाई आप मतलब वो पूछ रहे हो, सवाल आप पूछ रहे हो, आपसे तो आपकी तो बात ही नहीं है। 2023 में बिल्कुल सच उगल दिया नहीं, मामला यह है भाई, जितनी जल्दी आप अपनी एबिलिटी पहचान लोगे ना कि तुम्हारे अंदर क्या चीज मजबूत है, क्या चीज़ है तुम्हारे अंदर वो पावर जिससे तुम अपना फ्यूचर बना सकते हो या ज़िंदगी को जीने के तरीके आसान बना सकते हो, उतनी जल्दी तुम्हारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा। जितनी जल्दी तुम अपने अंदर जो है पावर को पहचान लो, तुम्हारे अंदर क्या चीज़ पावर है। अच्छा, एक चीज़ और है, चलो अगर सच बता ही रहे हो तो अब तो सच बताऊँ यार, अभी मतलब 2023 में कुछ था? नहीं, 2023 में कुछ नहीं था, क्योंकि 2023 से पहले, 2023 से पहले था हाँ, लेकिन 2023 में मैं मुंबई में था, और मुंबई में मैं जाकर के, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, वहाँ जाके मुझे काम के अलावा दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती थी। मेरे साथ के सारे लोग पार्टीज करते थे, क्लब जाते थे, और कभी अलीबाग जा रहे हैं, कभी गोवा घूमने जा रहे हैं। मैं 1.5 साल मुंबई रहा, 1.5 साल में कभी मैं किसी के साथ पार्टी में नहीं गया, मैं कभी क्लब नहीं गया। और उसका मामला ये था कि मेरा रूटीन जो है ना काम करने, क्योंकि दिमाग में था कि मैं मुंबई आया हूँ ना, तो मुझे काम पर फोकस करना है, वरना ये बहुत सारी चीज़ें क्लबिंग और क्या कहते हैं लड़कीबाजी, ये सारी चीज़ें मैं फोकस हटा देती हैं। तो मेरा रूटीन ऐसा था, मैं सुबह 3 बजे उठता था और अब भी 3 बजे उठता हूँ। बस फ़र्क ये है कि तब 3 बजे उठ के मैं काम करता था, अभी मुझे 1-2 घंटा जो है ना अपने आप को समेटने में सुबह लग जाता है, तो 5-6 बज जाते हैं मुझे काम शुरू करने में। वरना मैं पिछले लगभग 5 से 6 साल से ना
मैं एक भी दिन ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है पिछले 2 साल में मेरी कभी तहज्जुद नहीं छूटी, लेकिन इन 4 महीनों में मेरा साथ बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। तो मैं पिछले 2 साल से तहज्जुद नहीं छूटी और 5 वक्त की नमाज़, तो फिर जब तहज्जुद पढ़ रहा हूँ मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 5 वक्त की नमाज़ चलती थी। मुंबई में मेरी 5 वक्त की नमाज़ चलती थी, हालांकि मैं राइटिंग का काम करता था और एक प्रोडक्शन हाउस का काम करता था, वहाँ जब नमाज का वक्त होता था तो मैं सारे काम धंधे छोड़कर नमाज पढ़ता था। वो तो पहले यार प्रायोरिटी था। तो मामला ये है कि भाई आप जिस भी दीन पर हैं, मतलब जिस भी मजहब पर हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपके अंदर उस मजहब की थोड़ी सी प्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो प्योरिटी ना आपको गलत कामों से बचाती है। आपको धार्मिक, इतना धार्मिक होना चाहिए कि आप गलत करने से बच जाएँ या किसी के साथ गलत करने से आपको वो रोक ले, तो इतना धार्मिक होना चाहिए। तो वो मामला कुल मिला के ही है। पूछे सवाल, मुझे लग रहा सवाल खत्म हो गए आपके। सवाल खत्म नहीं होंगे, सवाल बहुत है मेरे पास। मैंने मटकी उठा ली, मुंह में थी तो इस वजह से सवाल बंद कर दिया था। पूछो। मट्टी कैसी लग रही है? अच्छी है भाई, ये तो मेरा पुराना था जब मैं थिएटर करता था। हाँ, तो मट्टी और चाय, इसी पे जिंदगी गुजर की है कॉलेज के 3 साल और उससे भी 1 साल। मुझे चाय पसंद नहीं थी, लेकिन 2023 में मुझे चाय पसंद आ गई, पता नहीं क्यों। हो सकती है कोई वजह खास? खास वजह अक्सर चीज़ है पसंद इस वजह से आती है क्योंकि जिनको तुम पसंद करते हो उनको वो चीज़ें पसंद आती हैं, तो आप उनको ना चाहते हुए भी पसंद कर लेते हो। हाँ, आप पसंद कर लेते हो, तो कुल मिलाकर आती है। 2023 में सबसे हंसा देने वाली बात कोई मेरे साथ? हंसा हाँ। देने वाली बात मेरे साथ, अरे यार बहुत, मतलब जब दोस्तों के साथ बैठते हो तो बच्चोदियाँ होती हैं, तो ऐसा हंसने वाला मोमेंट तो याद नहीं रहता, लेकिन मेरे साथ मतलब जिस चीज़ से ज़्यादा खुश हुए हो? ज़्यादा खुश हुआ हूँ, ज़्यादा खुश मैं हुआ था, लेकिन वो काम मेरा हो नहीं पाया। मैं मुंबई से आया था और एक प्रोड्यूसर है यहाँ के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वैस तू काम छोड़ के आ जा और यहाँ जो है मैं जो है पूरा सेटअप लगा के दे रहा हूँ तुझे, और काम जो है यहाँ शुरू कर दो पूरा, एकदम तुझे पूरा प्रोडक्शन हाउस जो है वो बना करके दे रहा हूँ, और उसमें उससे हटे। लेकिन उनके साथ कुछ हादसे हो गए जिसकी वजह से मेरा काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट में ही शुरू में इंशाल्लाह खुशखबरी दूंगा। और क्या कहते हैं, सेटअप लग रहा है अभी, 1-2 दिन बाद जो है उसका सेटअप का मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो वो ज़रूर दिखाऊंगा, देखिएगा। तो चीज़ें जो है ना 4-5 महीने लेट हो गई, लेकिन हो रही है। अब वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ चीज़ें हो जाती। अच्छा, 2 चीज़ और चल रही हैं। एक चीज़ ट्रेंडिंग में इस टाइम, विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी, ऐसे करके 2 यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं दोनों, तो दोनों के बारे में क्या ओपिनियन रखते हो अपना? यार देखो, मुझे उन दोनों में ना संदीप महेश्वरी अच्छा लगता है। उसका रीज़न ये है कि वो आदमी, हाँ पैसा कमा रहा है, वो आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन वो उस पैसे को कमाने के लिए किसी दूसरे को हार्म नहीं कर रहा है, किसी दूसरे का बुरा नहीं चाह रहा। पैसा दुनिया में आते हैं, सब कमाते हैं। इसके उलट है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा एक क्या कहते हैं, बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बिजनेस के आइडियाज़ देता है और बताता है। लेकिन वो विवेक बिंद्रा ने अभी जो कंट्रोवर्सी पूरी चल रही है विवेक बिंद्रा के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा मामला यहाँ आकर के अटका है कि वो अपने बिजनेस के कोर्स बेचता है 30,000, 35,000, 50,000। MLM 3 जोड़ोगे 2 आएंगे, 2 जोड़ोगे 3 आएंगे, ऐसे करके। ये गलत है ना, ये गलत है। आप धोखे में रख रहे हो। मतलब जो आदमी 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, 2 साल का मास्टर्स कर रहा है, MBA कर रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपको 5 साल लगाने की जरूरत नहीं है, 5-10 दिन में हम तुम्हें जो है MBA की बराबर जो है आपके अंदर हम वो रख देंगे, एबिलिटी रख देंगे कि आप MBA के बराबर कमाओगे। नहीं हो सकता ना भाई, मुमकिन नहीं है। तो आप वही है ना मामला कि आप सामने वाले की आंखों में धूल झोंक कर जो है अपना पैसा बना रहे हो, बस मामला ये है। तो विवेक बिंद्रा इसमें भाई बहुत गलत और है। और 500 करोड़ रुपए का स्कैम, ये स्कैम है दरअसल, ये स्कैम है 500 करोड़ रुपए का। वो भी बहुत होते हैं यार। हाँ बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। तो आप में स्कैम तो स्कैम ही, 1 रुपए का करो तुम। लेकिन यार मैंने इस साल में मतलब इंटेंशनली नहीं, मुझसे ना चाहते हुए बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं,
या बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई धोखा दिलाऊंगा, मुझसे गलती होगी, तो लोगों के लिए भी मुझसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी। 2024 है, काम में नया शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम नई पर्सनैलिटी एकदम निकल करके आएगी इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो चीज़ें मुझसे हुई है मैं उनको सुधार करने की कोशिश करूँ हमेशा। देखो गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं जैद, हाँ गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं, आपको पता नहीं होता आपसे गलती होगी, लेकिन गलती होने के बाद में आप में उसे कितना पछतावा है उस चीज़ को लेकर, ये बड़ी बात है कि अगर आपने रियलाइज़ कर लिया ना कि ये मुझसे गलती हुई है, तो आप इंसान हैं, आपके अंदर इंसानियत है, बाकी आप इंसान हैं, आपसे जो है उम्मीद रखी जा सकती है। और अगर आपने गलती कर दी और आप उस गलती पर डटे हुए हैं, अरे इसकी माँ की आकर मैं तो ऐसा हूँ और ये वाले कौन है, तो वही इंसानियत ख़त्म हो जाती है। तो मैं वही है, 2023 में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और मैं वो मुझे रियलाइज़ भी हो गई तुरंत, लेकिन मेरी हालत वैसी नहीं थी कि मैं उन्हें तुरंत जो है करेक्ट कर सकूँ या तुरंत उन पर एक्शन ले सकूँ। तो मेरी अभी काम शुरू होगा और थोड़ी हालत बेहतर होगी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों को जो है फाइनल करूँ, उन चीज़ों को जो छूटी हुई हैं, मैंने किसी के अनजाने में उसे मेरे साथ किसी गलत हो गया, मैं उनसे बात करूँ, उनसे बैठूँ, क्योंकि अभी 4-5 महीने से तो वैसे मेरी मेंटली जो हालत थी मेरी वो इस तरह की थी नहीं कि मैं किसी से बैठ के मतलब बात कर सकूँ या किसी कुछ, मैं इतना पिछले 4 महीने से ऐसा हो गया था कि मुझे जो है ना बात करने में जो है मुझे डर लग रहा था कि ये पता नहीं क्या समझेगा मेरे बारे में या क्या क्या धारणा बनाएगा मेरे बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सही है, सोचने दो, लोगों का काम है सोचना। हाँ लोगों का काम है सोचना, लेकिन क्या कहते हैं अभी थोड़ा सा निकले हम तो इस चीज़ से, वो मामला यही है कि अच्छा यूट्यूब से क्या सीखा? YouTube से बहुत कुछ सीखा यार, बाकी जो मैं पूरा काम, क्योंकि मैंने वहाँ डेढ़ साल वहाँ काम किया मुंबई में, वो पूरा सोशल मीडिया ही था। तो जो करनी भी ज़रूरी होती है क्योंकि आपको दाल आटे का पता लगता है जब किसी के अंडर काम करते हो ना, तो तुम्हें पता लगता है क्या काम किस तरह से कर रहा है। तो मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से सीखा, और जब मैं मुंबई गया था ना तब से लेकर अब तक पिछले 2-3 साल से लोग मुझे इतना मुझे वो किया है, ट्रोल किया है लोगों ने, मेरे खुद के लोगों ने, क्या कहते हैं स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा कौन कौन को, लेकिन मेरे खुद के लोगों ने जो मेरे आसपास रहते हैं या मेरे आसपास के ताल्लुकात हैं, इतना ट्रोल किया कि ओ ये करेगा भाई, हर कोई हर कुछ कर सकता है, बस गुदा होना चाहिए करने का और हिम्मत होनी चाहिए। और मैंने थोड़ा लंबा वक्त खींचा है, लगता हाँ 2024 में जो दिखा रहे थे ना या जो ट्रोल कर रहे थे कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मुंबई चला गया, मुंबई से वापस आ गया, क्या कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई साहब कहने का तात्पर्य ये है कि 2024 में उन सारी बातों के आपको जवाब मिलेगा, मतलब मैं नहीं दूंगा, काम दे देगा और आपका खुद फील होता रहेगा, आपको आपके जवाब खुद से खुद मिलते रहेंगे। तो हाँ ये बात तो होगी उन लोगों के लिए जो ट्रोल कर रहे थे, और अब बारी है भाई आपकी, तो आपको जो करना है ना अपनी ज़िंदगी में भाई करो, काम करो, किसी के साथ गलत मत करो, इंटेंशनली तो बिल्कुल मत करो, अगर अनजाने में हो जाए तो जब भी अच्छा मौका मिले उसको बैठ के करेक्ट कर लो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, लोगों का दिल दुखा करना कभी कोई ऊपर बड़ा ही नहीं है, ठीक है मान लिया ये वो फ्रेंड उमकाना लोगों ने, इन्होंने किया ये किया ये किया, तो इनके जितने बड़े गुनाह हैं ना, तो भाई छोटी मोटी सज़ा भी नहीं होगी इनकी, सज़ा भी बड़ी होगी आपकी, छोटी छोटी चीज़ें हैं और क्या कहते हैं, तो मामला यह है कि छोटी छोटी चीज़ों में उनको निपटा लीजिए। और दूसरी चीज़ ये, आप जब किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हो ना, तो भाई उस काम में इतने ईमानदार हो जाओ, इतने ईमानदार हो जाओ कि उस काम के अलावा ना आपको इधर का कुछ दिखाई दे और ना इधर का कुछ दिखाई दे, इतना फोकस हो जाओ उस काम को लेकर। बाकी टाइम तो लगता है हर एक चीज़ को, छोटी से पौधा बीज बोया जाता है, पौधा बनता है फिर निकलता है वो पेड़ बनता है, तो चीज़ों को वक्त लगता है और सब्र करना, जब वो वक्त चल रहा हो आपका या वो चीज़ें आपकी बन रही हो, तो उस दौरान उस वक्त में आपको सब्र बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपके पास सब्र नहीं है ना तो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती, कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, दुनिया भर का कोई भी काम हो, जब आपका एक फेस होता है ना स्ट्रगल का, तो आपको उसमें सब्र बहुत ज़रूरी करना होता है। तो 3-4 चीज़ें, किसी के साथ बुरा मत करो, बुरे वक्त में सब्र करना सीखो, और तीसरी चीज़ ये कि आप अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहो, दो लोग आएंगे ट्रोल करेंगे, दुनिया एक सी नहीं है ना, कोई आपको अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, तो सारी तरह की चीज़ें होंगी,
लेकिन आप अपनी चीज़ों पर अड़े रहो और एक दिन देख रहा कि वो चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो जो ट्रोल करते थे या वो सब आते थे ना, तो फिर वो आपको आपके नाम से ना अपने आप को परिचित कराया करेंगे लोगों, अरे ये तो मेरा दोस्त है यार। हालांकि वैसी आपकी तरफ से कोई चीज़ रहेगी नहीं उस वक्त तक, क्योंकि आप इतना पक चुके होते हो उन चीज़ों से। आप जब बुरे वक्त, अच्छा बुरे वक्त की एक अच्छी, एक नहीं कई सारी अच्छी बातें होती हैं बुरे वक्त की। एक बुरे वक्त की एक अच्छी बात यह है कि जब आप बुरे वक्त में होते हो ना, तो लोग धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है ये प्रूव करने का कि ना तो मुझे तुमसे कुछ लेना देना है, ना मुझे किसी से कुछ लेना देना। सही बात। मैं अपने आप को माई सेल्फ एज ए ह्यूमन, मैं खुद ये चीज़ें कर सकता हूँ, ये करने की कुव्वत रखता हूँ, और ये मैं आज नहीं तो कर लूँगा, मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज़, जब आप स्ट्रगल फेस में होते हैं तो आपको ना हर वो आदमी जो कभी आपसे ज्ञान लेता था, आपको ज्ञान देने वाला मिलेगा, अरे ऐसा कर लो, अरे यार तेरा बुरा वक्त चल रहा है, तू एक काम कर, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। तो बातों को इग्नोर करके आप जो कर रहे हो उसको करते रहिए, क्योंकि वो जो दे रहा है ना राय मशवरे, वो कभी वो करने की हिम्मत रख नहीं सकता है, वो कभी वो खुद कर नहीं सकता है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो कुल मिला के ये 5-6 चीज़ें हैं जब बुरे वक्त में। अच्छा वक्त तो देखो सब इन्जॉय करते हैं, और अच्छा वक्त इन्जॉय करने के लिए किसी के बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जब पैसा होता है ना, तो आपसे कोई ये आकर नहीं बताएगा कि आपका पैसा है तो चल आ जा इसको वहाँ क्या कहते हैं खर्च कर ले। जब पैसा होता है ना, तो आदमी के पास खुद से उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या करना है, सारे प्लान्स उसके पास होते हैं। लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने वाले आते हैं, ज्ञान जोड़ने वाले आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई साल गुजरते रहेंगे, लोग आएंगे लोग जाएंगे, पर तुमने क्या किया ये साल गुजार कर, तुमने क्या फील किया, तुमने अपने लिए क्या किया, तो इस पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और पूरा का पूरा फोकस ये हो जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और 3-4 चीज़ें जो बताएं, ख्याल रखना, किसी का बुरा नहीं करना, फोकस से नहीं हिलना, और उसके अलावा इतना धार्मिक आप हो जाइए कि आपको जब कुछ गलत करें तो आपको फील हो जाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, जिस भी धर्म के हो। और धार्मिक होना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि धार्मिक धर्म जो है ना आपको गलत चीज़ों से बचाता है। तो 5-6 चीज़ें हैं मोटी मोटी अब 2024 में, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सारी चीज़ें, मैं तभी आप लोगों से बोल रहा हूँ ये कि ये कीजिए खासकर। बाकी यार जरूर हो आप अकल वाले हो, और क्या कहते हैं, हर एक की जो अकल है वो अकल तस्लीम है, पूरी अकल दी गई है उसको, आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, किस तरह से समझते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी मैं जो 2023 में मैंने किया या 2000 उससे पहले भी जो मैंने किया वो मैंने आपके सामने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों से कुछ फ़ायदा तो ज़रूर उठाएंगे, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ सबकी ज़िंदगियाँ जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजरें, और सबकी ज़िंदगियाँ इतनी आसान हो जाएँ कि आपको कुछ गलत कदम ना उठाने पड़े, और किसी के आगे झुकना इन द सेंस कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, आपको किसी से सवाल ना करना पड़े। ज़िंदगी में मैंने आज तक, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही है, मैं बताना चाहता नहीं हूँ किसी को, और बताता नहीं हूँ मैं कि मैं कहाँ कहाँ से गुजर के क्या क्या करके और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कभी किसी से सवाल मत करना, कभी से मांगना मत कि जिसकी ज़रूरत हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मेहनत करना साला, मेहनत करके वो चीज़ हासिल करना। और ये मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं अपना जो मैंने फील किया है, मैं जो इतना झेलता हुआ या अपने ऊपर जो है सहता हुआ यार हूँ, बस वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो हाँ, आज 2023 का आखिरी दिन है, और जो आपके साथ गलत हुआ उसको माचिस की तिली जलाओ और ऐसे जला दो, एक नई शुरुआत करो, और नई शुरुआत करने के साथ आप नई अपॉर्चुनिटी निकालो और स्किल्स पैदा करो अपने अंदर काम करने की, बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। हाँ, पूछो। शुक्रिया मत बोलो यार, अब ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाएगी हमारी पब्लिक जो है सामने वाली। सही है, इमोशनल होना आदमी को 18 मिनट नहीं रखते ना, इमोशनल होना आदमी को अंदर ठहराव पैदा करता है। आदमी जब जब इमोशनल होता है ना, इमोशनल होता है जब जब आदमी के अंदर ठहराव आता है, आदमी के अंदर सोचने की कुव्वत बढ़ती है। गुस्से में आदमी या जलाल में आदमी कभी सोच नहीं पाता है ठीक, और कभी जो है आदमी सही फैसले नहीं ले पाता है। जब जब इमोशनल होता है आदमी, वो अपने अंदर की चीज़ें फील करता है कि उससे क्या क्या गलत हुआ या उसके साथ क्या क्या गलत हुआ, तब वो एक
सही फैसले पर पहुंचता है और फिर वो अपनी ज़िंदगी के अच्छे मौक़ों पर सही फैसले लेता है। तो इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, होइए इमोशनल होइए, लेकिन उस इमोशनल होने से आप इफ़ेक्ट मत होइए। आप इमोशनल होइए अपने लिए, ठीक है लड़की छोड़ करके चली गई, ठीक है वो ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं लड़की छोड़ कर चली गई, लड़की भाई कहना बहुत आसान होता है, लड़की छोड़ कर चली गई तो क्या मर गया क्या, ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या, तो ऐसा नहीं है। वो एक दर्द ऐसा होता है जो आपके नफ्स से जुड़ा होता है, और नफ्स जो है ना आदमी को बिगाड़ना और बनाना सिखाता है, आदमी का जो नफ्स। क्या मतलब 23 में छोड़ के गई है तुम्हारी वाली? नहीं नहीं, मैं 2023 में मैंने बता ही दिया, मैं मुंबई था 2023 में, पूरा 2022 में चला गया था, तो मैंने पूरा वो बता दिया मेरे साथ। अच्छा मतलब किसी की भी छोड़ के चली गई? हां किसी की भी छोड़ के चली गई। वही ना लोग कहते हैं, अरे मुझे लगा नहीं नहीं लोग कहते हैं ना, मैं वही बता रहा हूं, लोग कहते हैं लड़की छोड़ के चली गई मर गया साले पागल हो गया रो रहा है। हां रोइए भाई, बिल्कुल फील कीजिए, किसी ने आपके साथ जो गलत हो गया उसको फील कीजिए, आपके पास पैसा नहीं है उसको फील कीजिए, आपके पास प्यार नहीं है उसको फील कीजिए, लेकिन उस फील को जो है निगेटिव मत लीजिए, उससे उसको एक इकट्ठा कीजिए और उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकालिए। फिर भाई आप देख रहे हैं इंशाल्लाह कोई चीज़ दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती जो आप करना चाहते हैं। रैपिड फायर है एक, ठीक है सही है, ठीक है। डंकी सलार, डंकी वेज नॉन वेज? नॉन वेज वेज नहीं करता भाई। संदीप महेश्वरी या विवेक बिंद्रा? नहीं मैं वैसे यार मोटिवेशनल स्पीकर मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन मतलब इन दोनों में अगर ऐसे कंपैरिजन है तो संदीप महेश्वरी बिल्कुल। गांव शहर? यार गांव, लेकिन वो है लेकिन मैं ऐड करूंगा गांव, गांव में जिंदगी बिताना बहुत बेहतर है, लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए शहर आना ही पड़ेगा। इंडिया या आउट ऑफ इंडिया? इंडिया, आई लव इंडिया। क्यों? अरे यार मैं जिस धरती में पैदा हुआ हूँ यहाँ मेरे इतने सारे लोग हैं, और क्या कहते हैं मैं जितना प्यार करता हूँ लोगों से, मुझे मैं यहाँ से मैं कहाँ चला जाऊँ, मैं क्या कौन मिलेगा मुझे भाई, मैं अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाऊँगा किसी के पास। दिल्ली मुंबई? हाँ दिल्ली 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 सर्दियाँ ये तो बहुत बहुत खतरनाक है। ये मैं मुंबई में भी जिक्र करता था कि दिल्ली दिल्ली जैसा शहर नहीं है भाई, दिल्ली जैसा शहर नहीं है, नहीं है दिल्ली जैसा शहर। 2023 या उससे पहले? 2017 कॉलेज का फर्स्ट ईयर, कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल होता है भाई। अच्छा यार हम तुम्हारे बाद में आए थे ना एक साल, हाँ तुम मेरे 18 वाले थे। 2017 अगर मैं बयान करने बैठूँ ना तो कम से कम 3-4 घंटे जाएंगे उसमें। अच्छा कॉलेज टाइम में हमारी बहुत कम बात थी। हाँ बहुत हम तुम मिलते थे ऐसे, हाँ भाई वैसे भाई ठीक है बाय हाय। तो ये भी बातें सुन रही है हमारी, हाँ ये बातें सुन रही है। आओ ये 2-4 सवाल आपसे ही पूछ लिए जाए। हाँ तो बताइए क्या नाम है? क्या नाम है आपका? छू कर देखियो, नहीं भाग जाइए ले ले ये बात। और ये एक बात इनके बारे में पता नहीं कही जाती है सच है या गलत है, हाँ। ये हमेशा उसी इंसान के पास आती हैं जिन पर इन्हें भरोसा होता है, ये मतलब इनमें सेंस होता है या क्या होता है मतलब। तो तुम जामिया में पुराने चावल हो ना? मैं पुराना भी चावल हूँ और वैसे भी मैं मतलब इनसे प्यार दिल का तो मैं अच्छा ही हूँ, मतलब दिल का तो मैं अच्छा ही हूँ। वो तो भाभी से पता चलेगा ना? भाभी तो कोई बता ही नहीं सकती ऐसा, वो तो वो बताएंगे ना, वो कौन? इसके माँ बाप। ठीक है, हाँ रैपिड फायर खेल रहे थे, कहाँ भटक गया? अरे हाँ फायर खेलते हुए, हाँ दिल्ली दिल्ली की सर्दियाँ खास कर मतलब सर्दी गर्मी सर्दी है, देख नहीं रहे कितना पहनू। हिंदी उर्दू? उर्दू। अच्छा और क्या पूछूं? मुझे ऐसा लग रहा है आपको रैपिड फायर के सवाल लिख लेने चाहिए थे पहले लिखने चाहिए थे, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ रैपिड फायर ना मतलब ये स्लो फायर हो गया। हाँ ये जो है स्लो फायर हो गया, कोई नहीं। अच्छा आप पूछो जो पूछना है आपको, ये एक अलग से जो है एक्सपीरियंस का एक वीडियो अलग से डाल देंगे, इससे उसका लेना देना नहीं है कुछ भी ब्लॉग से, ठीक है। और लड़की लड़का यार, लड़की आपको लड़की लड़का क्यों पसंद आएगा मुझे? नहीं भाई मैं स्ट्रेंड हूँ, ये स्ट्रेंड हूँ, मैं लड़के से जा सकते हैं। अच्छा वैसे तो पसंद होंगे? नहीं वैसे क्या मतलब, वैसे कैसे? वैसे दोस्त तो है यार, कितने दोस्त हैं, और जितना टाइम और पैसा बर्बाद दोस्तों में मैंने किया है, ये आपकी मिसालें जो है ना आप जिस भी शख्स से मेरे साथ के आदमी से उठा कर के पूछोगे वो पूरी कहानी आपको 2017, 2018, 2019, 2020 इन तीनों सालों की बता देगा। एप्पल सैमसंग? एप्पल सैमसंग नहीं कभी नहीं। अच्छा और क्या था, और एक चीज़ और
क्लीन शेव या फिर बियर्ड? यार हल्की हल्की दाढ़ी जैसी अभी है ना ऐसे क्लीन शेव में मैं बहुत गंदा लगता हूँ क्योंकि मेरा अभी मेरा वर्कआउट छोड़ रखा है क्योंकि चार महीने से तो वैसे ही दिमागी तौर पर वर्कआउट चल रहा था बहुत ज़्यादा परेशान। तो अभी कब लेके चल रहे हो फिर जिम? ना जिम अभी ट्यूसडे वेडनेसडे चलते हैं और अभी 2 तारीख को मेरा शूट हो जाएगा तो वहाँ से पैसे वैसे आ जाएंगे तो जब पैसे वैसे आएंगे तो काम शुरू करेंगे। मुझे रोना है या आपकी कशिश? नहीं नहीं मुझे रोना है क्योंकि वो मेरा आशिक बनाया आपने? नहीं नहीं कभी नहीं आशिक बनाया। वो फोरहेड किस वाला तो बता दो वो क्या था? अरे यार वो क्या मतलब कितना खींचोगे उसको तुम लोग यार अजीब हालत कर रखी है। फोरहेड किस क्या मतलब वो एक हालांकि कहानी मैंने लिखी थी उसकी गाने की तो उसमें एक वो था बस ये थोड़ा सा वो तो इतनी दूर से कौन करता है भाई। यार मैं असल में तुम मेरी हालत देखो हालत मतलब ये कि मैं बड़ा साफ सुथरा आदमी हूँ। कभी गंदगी में इस तरह की गंदगी में मैं कभी मुलव्वस रहा नहीं हूँ। तो मामला ये था कि उसमें डायरेक्टर ने कह दिया कि भी ऐसे ऐसे करना है आपको अब करना पड़ेगा करना पड़ेगा लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं जितना जो है सहजता के साथ कर सकूँ वो चीज़ तो मैंने फिर वो अच्छा उवैस भाई मतलब वो पुरानी उसमें बातें जो करते थे हम तुम गांव में क्या ये कंप्यूटर से मिला देते हैं याद है ना ये बातें क्या हीरो हीरोइन आपस में ऐसे नहीं चिपटते हैं ये नहीं चिपटते ऐसे नहीं करते हैं ये ऐसे तो तुम्हें भी ऐसे लगाया था क्या? नहीं हां अरे लेकिन अभी मैं काम करके आया हूं तो मुझे पता है ना कैसे कैसे सीन शूट होते हैं। तो सच बात है शूट होता है उसके अलावा लव सीन कैसे सीन रोमांस सीन कैसे सीन होते हैं या अपना बारिश वाले जो सीन होते हैं कैसे पता है सारा मैं कर करके आ रहा हूं काम तक मूवी को। अच्छा एक क्वेश्चन और है लास्ट वाला ये शॉर्ट में डाल दियो जोनी सिंस मियां खलीफा नहीं, नहीं, बता दो एक मैं असल में मामला ये है कि मैं अरे नाम ही है ना नाम है तो मियां खलीफा व्हाट अबाउट जोनी भैया कम टू माय ऑफिस ठीक है चलो एंड करें इसे। हाँ इसको आप सब अप करते हैं तो क्योंकि 26 मिनट हो गए। हाँ ठीक है इसके हो गए कोई नहीं। तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया ज़ैद आपका ये मतलब पूछने के लिए और ये इतना सुनने के लिए और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका मेरे इतना मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए 26 मिनट। लेकिन मैं ईमानदारी से बताता हूँ ये 26 मिनट अगर आप गौर फिक्र कर लें तो आपके 26 मिनट आपको ज़िंदगी भर जो है एक नहीं इतनी बड़ी वीडियो तो होनी चाहिए साल के बारे में बताया पूरे। हाँ पूरी ज़िंदगी मतलब एक साल की ज़िंदगी मेरी कैसी रही है उसके बारे में 50 मिनट तो देख ही सकता है बंदा। हाँ देखना चाहिए आदमी को अगर 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 वीडियो से फ़ायदा निकल रहा है तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो आपको देखनी चाहिए और अगर नहीं है तो मत देखो कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ ये अगर आपने देख लिया और जो मैंने बताया अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया है तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ आप ज़िंदगी जीने का सलीका सीख जाएंगे तरीका सीख जाएंगे। तो मैं आज के लिए यही ज़ैद साहब बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये अभी ऐसे ही एक पॉडकास्ट है तो बहुत जल्द मिलेंगे किसी और टॉपिक के लिए पॉडकास्ट में। ज़ैद हमारे साथ होंगे कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने एज यूजुअल हमेशा मैं रहूँगा ज़ैद को मतलब कैमरे पर आने नहीं दूंगा। तो बहुत बहुत मज़ा बहुत बहुत तुम्हारा YouTube चैनल है मेरा नहीं है अगर मैं आ गया तो उस पे निंजा मोहम्मद ज़ैद लिख जाएगा। यार मेरे चैनल के बारे में तो सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। यार निंजा मोहम्मद ज़ैद चैनल है यार बहुत जबरदस्त ये करेगा लेकिन अभी काम शुरू करेंगे ना तब अपील करेंगे तब मजा आएगा क्योंकि अभी तो काम शुरू नहीं किया ना तो काम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द हम लोग और लगभग 5-6 दोस्तों को मैंने इस चीज का कीड़ा किया है कि सारे सोशल मीडिया पर काम करते हैं इसे तगड़ा पैसा नहीं है। तो अभी सारे दोस्त मिल मिला के हम एक प्रोडक्शन हाउस जो है शुरू कर रहे हैं और अभी बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सबका मेरी ये इतनी सुनने के लिए और मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी 2024 जो है बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो आप अपने काम जो भी आप काम चाहते हैं आपकी जो पॉजिटिव जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो पूरी करे और क्या कहते हैं आप कामयाब हो जाए साल में जो भी आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। तो हाँ बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं उमेश पाशा और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी और टॉपिक के साथ अगले पॉडकास्ट में। तो शुक्रिया ठीक है हाथ तो मिला लो यार शुक्रिया ठीक।